हमारे पास अब जो थर्ड पी है उससे स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं मार्केटिंग मिक्स के फोर पीस, जिसमें पहला पी था प्रोडक्ट मिक्स, सेकंड पी था प्राइस मिक्स, और हम थर्ड पी की तरफ बढ़ रहे हैं विच इज प्लेस मिक्स। ठीक है, प्लेस मिक्स कहूं या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कहूं, बात एक ही है। बेसिकली जब बात हो रही है प्लेस मिक्स की, तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर आप डिसाइड करने जा रहे हो कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्शन को, जो भी आपका आउटपुट है, चाहे वो एज अ मैन्युफैक्चरर आपके गोडाउन में रखा हुआ है, चाहे आप एक ट्रेडर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, उसको किस तरीके से आप कंज्यूमर्स तक पहुंचाओगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हम मूवमेंट्स की बात करेंगे। तो प्लेस रिस्क, प्लेस मिक्स के अंदर आपको दो इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं, विच इज रिलेटेड टू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स। जो फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स है, वो बात तो हमें बहुत आसानी से समझ आ रही है कि फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स का मतलब है प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजप्शन तक सामान को लेकर जाना, यानी कि कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है। बट वॉट इज चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन? चैनल्स, चैनल्स का मतलब क्या होता है? मीडियम, और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना। तो बेसिकली आपको डिसाइड करना है कि वो कौन से मीडियम्स होंगे जिसके थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे। सो प्रॉपर डेफिनेशन क्या है चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की? दैट इट रेफर्स टू द सेट ऑफ फर्म्स और इंडिविजुअल, ये कुछ फर्म हो सकती है या कुछ इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, दैट टेक द टाइटल और असिस्ट इन ट्रांसफरिंग द टाइटल। अब यहाँ पे टाइटल से पता है क्या मतलब होता है? टाइटल का मतलब होता है ऑनरशिप, जो या तो खुद अपने नाम पे ऑनरशिप ट्रांसफर कराते हैं या मदद करते हैं ऑनरशिप को सेलर से बायर तक पहुंचाने में टू अ पर्टिकुलर गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज की? या तो गुड्स की या फिर सर्विसेज की, एज इट मूव्स फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर्स, क्योंकि हमें इसको मूव करना है प्रोड्यूसर से कंज्यूमर्स की तरफ। तो इन शॉर्ट आप ये कह सकते हो कि चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर वो फर्म्स और वो इंडिविजुअल्स आते हैं जो आपके सामान को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने में आपकी हेल्प करते हैं, और सिंपल लैंग्वेज में ये होते हैं हमारे मिडल मैन। ठीक है, तो अब जो हमारे पास मिडल मैन है वो कितने तरीके के होते हैं वो हम जानेंगे टाइप्स ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से। बेसिकली ये जो आप पढ़ रहे हैं, दिस इज टाइप्स ऑफ चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एंड देयर आर टू टाइप्स, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट, डायरेक्ट का मतलब क्या होता होगा? जहां पर मैन्युफैक्चरर डायरेक्टली अपने कंज्यूमर्स तक सामान पहुंचाता है, और इसी को हम बोलते हैं जीरो लेवल चैनल। और जीरो लेवल चैनल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे कोई भी मिडल मैन नहीं होता, मैन्युफैक्चरर से सामान सीधे कंज्यूमर्स तक जाता है, एंड इट इज द शॉर्टेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे छोटा और सबसे आसान। मेल ऑर्डर हाउसेस के थ्रू आप पहुंचा रहे हो, इंटरनेट सेलिंग के थ्रू पहुंचा रहे हो, टेली मार्केटिंग है आपके पास। इसके अलावा और कहां आप इसको देख सकते हैं? जैसे बहुत सारी कंपनीज होती है जिन्होंने खुद के रिटेल आउटलेट्स खोल रखे हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स है, डोमिनोज है, पिज्जा हट है, हमारे पास बाटा है। तो यहाँ पर आप देखते हो कि इनके खुद के रिटेल आउटलेट्स है। याद है अपने 11th क्लास में चेन स्टोर्स पढ़े थे? नहीं पढ़े थे, एक चेन स्टोर्स होते हैं, जो चेन स्टोर्स होते हैं ना, जैसे कि एडिडास है, अब एडिडास के खुद के अपने आउटलेट्स हैं, है ना, जहां से आप जाके सामान खरीदते हो, वुडलैंड के खुद के अपने आउटलेट्स हैं। तो ये सारे डायरेक्ट चैनल है, क्यों? क्योंकि आप डायरेक्टली वहां तक पहुंच रहे हो उनके रिटेल आउटलेट्स के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी मिडलमैन बीच में नहीं होता है, और आपको प्राइसिंग भी हर आउटलेट पे सेम मिलती है। उसके बाद इनडायरेक्ट चैनल्स के अंदर हमारे पास तीन तरीके के लेवल्स हैं। अब इनडायरेक्ट चैनल है तो दैट मींस हम कंज्यूमर्स तक पहुंच तो रहे हैं बट इनडायरेक्टली। यहां पर आ जाते हैं मिडलमैन। अब जितना लेवल है उतने ही मिडलमैन है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे जीरो लेवल है तो कोई इंटरमीजरी नहीं था, यहाँ पे मैंने बोला वन लेवल है तो एक इंटरमीजरी होगा, एक मिडलमैन, यहाँ पे टू लेवल है तो दो मिडलमैन आपको देखने को मिलेंगे, थ्री लेवल है तो तीन मिडलमैन देखने को मिलेंगे। अब देखिए जरा यहाँ पे वन लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ मैन्युफैक्चरर सामान पहुंचा रहा है पहले रिटेलर्स को, देन रिटेलर्स पहुंचा रहे हैं कंज्यूमर्स तक। बेसिकली कब हम वन लेवल का इस्तेमाल करते हैं? जब हमें वाइड एरिया कवर करना हो, जैसे कि आप कार की फील्ड में देखो, ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस की फील्ड में देखो, तो यहाँ पर आप काफी कंज्यूमर्स को कवर अप कर रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज्यादा बीच में मिडलमैन नहीं हो सकते, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं ये चीजें एक्सपेंसिव होती है, यहां से थोड़ी सी कम एक्सपेंसिव कह सकते हो। तो जैसे कार है, कार में जितने ज्यादा मिडलमैन इंक्लूड करोगे तो प्राइस बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस से प्राइस बढ़ जाएगी। मोर ओवर ये ऐसी चीजें नहीं है जो मोबाइल हो, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर बहुत ज्यादा इनका मूवमेंट नहीं है, लेस मोबाइल चीजें हैं। टू लेवल में आपके दो मिडलमैन आते हैं, एक का नाम है आपका होलसेलर और दूसरे का नाम है रिटेलर। W से है होलसेलर और R से है रिटेलर, आप लिख सकते हैं साथ साथ।
ये जनरली इस्तेमाल किए जाते हैं कंज्यूमर गुड्स। देखो जितने ज्यादा मिडल मैन इन्वॉल्व होंगे दैट मीन्स उतने ही ज्यादा कस्टमर्स को आप कवर अप कर रहे हो, तो ये तब इस्तेमाल होंगे जब आपको इनसे ज्यादा कंज्यूमर्स को कवर अप करना है। तो यहाँ पे आपके सारे कंज्यूमर गुड्स आएंगे, यानी कि वो सारी आइटम्स जो हम अपने डेली बेसिस पर इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि सोप है, ऑयल है, राइस है, पल्सेस है, मतलब ऐसी सारी चीजें जो आप अपने डेली की लाइफ में यूज करते हो, जो हर एक कंज्यूमर इस्तेमाल करता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं थ्री लेवल पे। अब थ्री लेवल में तीन मिडलमैन आए, जहां पर ए से है एजेंट, डब्ल्यू से है होलसेलर और आर से है रिटेलर। जनरली होलसेलर रिटेलर सबको पता होता है, ये ए वाला याद नहीं रहता, तो आप लिख लो साथ साथ कि ए का मतलब क्या है, एजेंट, और डब्ल्यू क्या है हमारे पास, होलसेलर, और आर क्या है हमारे पास, रिटेलर, ठीक है। तो ये हमारे पास तीन मिडलमैन आ गए, यानी कि मैन्युफैक्चरर पहले एजेंट तक सामान पहुंचाता है, एजेंट होलसेलर तक, होलसेलर रिटेलर तक, और रिटेलर किस तक, कंज्यूमर्स तक, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये एजेंट का मेन काम क्या है, आपने क्यों बीच में एजेंट को डाला, होलसेलर और रिटेलर भी तो ये काम कर सकते थे। देखो एजेंट हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमें ना हर एक पर्टिकुलर एरिया को कवर करना हो, तो हम क्या करते हैं, एजेंट्स अपॉइंट कर देते हैं हर एक एरिया के अंदर। वो वहां पे जितने भी होलसेलर्स होते हैं उनसे लॉट कलेक्ट करते हैं, ऑर्डर्स कलेक्ट करते हैं, फर्दर जो होलसेलर्स होते हैं वो उसी एरिया के रिटेलर से ऑर्डर कलेक्ट करते हैं। तो इस तरीके से बल्क ऑर्डर कलेक्ट किया जा सकता है जो फिर मैन्युफैक्चरर के पास जाता है, ठीक है। तो यानी कि यहां पर जब आपको एक वाइड मार्केट कवर करनी है तो आप थ्री लेवल यूज करते हो, ठीक है, जब आपको हर एक एरिया के होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर्स को कवर अप करना है, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट लाइन होती है फिर वो लिमिटेड होती है, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट लाइंस को अगर ऐड करोगे तो फिर काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज्यादा काम फैलाना भी ठीक नहीं होता, उतने में डील करना जितना हम इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली चार लेवल है, 0, 1, 2, 3। 0 लेवल में मैन्युफैक्चरर से कंज्यूमर तक डायरेक्टली जा रहा है, 1 लेवल में मैन्युफैक्चरर से रिटेलर, रिटेलर से कंज्यूमर, 2 लेवल में मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, देन रिटेलर से कंज्यूमर, 3 लेवल में मैन्युफैक्चरर से एजेंट, एजेंट से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर, देन रिटेलर से कंज्यूमर, क्लियर। अब हमने पढ़ा कि प्लेस मिक्स के अंदर दो डिसीजन लेने होते हैं, एक तो चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड और एक फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स से रिलेटेड। हम चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो हमने पढ़ लिया कि कितने तरीके के चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं और कब कौन सा इस्तेमाल किया जाता है। अब सेकेंड आते हैं द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर आपको फिजिकल मूवमेंट करना है गुड्स और सर्विसेज का तो उसके लिए आपको चार एक्टिविटीज को देखना है, ठीक है। तो वो चार एक्टिविटीज कौन कौन सी हैं, पहला है ऑर्डर प्रोसेसिंग, देन सेकंड है ट्रांसपोर्टेशन, थर्ड है वेयरहाउसिंग और फोर्थ है हमारे पास इन्वेंटरी कंट्रोल, ठीक है। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर ही आया है बोर्ड में, लास्ट ईयर या उससे लास्ट ईयर आया होगा। 6 मार्क्स का क्वेश्चन था, आइडेंटिफाई करने थे कि कौन सा कंपोनेंट है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, 3 आइडेंटिफाई करने थे और लाइंस कोट करनी थी। तो बहुत इजी था आइडेंटिफाई करना कि अगर आपको वो लाइंस पता है कि कौन से किस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है या किस चीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रहा है, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉम्पोनेंट के साथ, ऑर्डर प्रोसेसिंग। ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, है ना, हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या ऑनलाइन फूड ऑर्डर करते हैं, तो कई बार लिखा आता है ना, योर ऑर्डर हैज बीन प्रोसेस्ड, योर ऑर्डर इज प्रोसेसिंग, रेस्टोरेंट इज प्रोसेसिंग योर ऑर्डर, इस तरीके से चीजें लिखी आती है। तो ऑर्डर प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है कि कब हमें ऑर्डर रिसीव हुआ, कब हमने उसको अपने कस्टमर तक पहुंचा दिया। सो ऑर्डर प्रोसेसिंग इट रेफर्स टू द टाइम एंड स्टेप्स इन्वॉल्व बिटवीन द रिसीट ऑफ ऑर्डर फ्रॉम द कस्टमर एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि आज एक कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है और उस तक डिलीवरी ऑफ गुड्स कब तक हो पा रही है, उसके बीच का जो टाइम गैप है बेसिकली उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब जैसे कि बहुत सारी ऑनलाइन एप्स ऐसी हैं जो विद इन 2 डेज आपको डिलीवरी दे देती हैं, बट कुछ एप्स ऐसी हैं जो सामान सस्ता बेचती है बट स्टिल वो थोड़े से ज्यादा डेज लेती हैं डिलीवरी करने के लिए। तो अगर हमें अर्जेंट नीड होती है तो हम हमेशा उसी ऑनलाइन ऐप के पास जाएंगे जो हमें फास्टेस्ट डिलीवरी देती हो, तो दिस इज नोन एज ऑर्डर प्रोसेसिंग। अब यहाँ पे कहा गया दैट द कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड द स्पीड ऑफ ऑर्डर प्रोसेसिंग आर डायरेक्टली रिलेटेड, यानी कि जितनी जल्दी लोगों को सामान मिलता है ना उतनी जल्दी कस्टमर सेटिस्फाई भी होता है। ये बहुत नेचुरल फैक्ट है कि जब हम कोई ऑर्डर प्लेस करते हैं तो हमें बहुत जल्दी होती है कि हमारे पास हमारा सामान आ जाए। तो जितनी अच्छी आपकी ऑर्डर प्रोसेसिंग की स्पीड होगी आपका कस्टमर उतना ही आपसे सेटिस्फाइड रहेगा, ठीक है।
अब ये जो लाइन मैंने अंडरलाइन की है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये ऑर्डर प्रोसेसिंग के बारे में बात हो रही है। अ गुड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन शुड प्रोवाइड फॉर एन एक्यूरेट एंड स्पीडी प्रोसेसिंग ऑफ ऑर्डर। एक अच्छा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वही होता है जो आपको स्पीडीली आपका ऑर्डर तो पूरा करके दे, भाई टाइम से तो आपको ऑर्डर आपका पूरा करके दे, फास्टेस्ट ऑर्डर दे आपको डिलीवरी, बट एट द सेम टाइम एक्यूरेट भी दे। अब यहाँ पे एक्यूरेट से मतलब क्या है कि जो आपने मंगवाया वही आपके पास आए, सेम क्वांटिटी में आए, सेम स्पेसिफिकेशन के साथ आए, ठीक है। सो एक्यूरेट एंड स्पीड दोनों मेंटेन करना है। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच सिस्टम, और अगर आप इस तरीके से नहीं करते हो, देन गुड्स वुड रीच द कस्टमर लेट, तो कस्टमर के पास गुड्स जो है वो लेट पहुंचेंगे या फिर रॉन्ग क्वांटिटी या स्पेसिफिकेशन में पहुंचेंगे। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट डिसीजन है। चलो ऑर्डर प्रोसेसिंग के बाद, अब ऑर्डर को प्रोसेस कर रहे हो, डिलीवरी कर रहे हो उसके, तो किसके थ्रू करोगे? विद हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहां पर आपको डिसाइड करना है द कैरिंग द गुड्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन टू द पॉइंट ऑफ सेल, यानी कि जहां पर आप सामान को बना रहे हैं से लेकर जहां आपने उसको बेचना है वहां तक का ये जो सफर तय करना है, तो वो सफर कैसे तय किया जाएगा, कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका यूज किया जाएगा, वो हम डिसाइड करेंगे अंडर द डिसीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। The sale can't be completed unless it is physically made available. जब तक लोगों के हाथ में सामान नहीं पहुंच जाता, physically available नहीं हो जाता जब तक उनको सामान, आप अपने sale को complete नहीं मान सकते। तो ये line भी इसके अंदर important है, ठीक है। अब जैसे कि उन्होंने एक example ही हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि असम की टी वर्ल्ड वाइड यूज की जाती है, तो अलग अलग स्टेट्स में ही नहीं, एक स्टेट के अंदर भी अलग अलग रीजन्स में जाती है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाती है, मोर ओवर एक कंट्री से दूसरी कंट्री भी जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है? विद द हेल्प ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो यहाँ पे हमें डिसाइड करना है कि हमें कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करना है, ठीक है। द थर्ड वन इज वेयरहाउसिंग। अब जरूरी नहीं है कि सामान जब हमारा बन गया है तो ऑन द सेम डे वो हमारा बिक भी जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सामान को स्टोर करना पड़ता है। सो इट रेफर्स टू होल्डिंग एंड प्रिजर्विंग द गुड्स टिल दे आर डिलीवर्ड टू द बायर। भाई जब आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो ना, तो आपने देखा होगा कि वहां पे ना जब आप ट्रैक करते हो अपने ऑर्डर को, तो दिखाते हैं कि यहाँ वाले वेयर हाउस तक पहुंच चुका है, यहाँ वाले वेयर हाउस तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि वो आपके सामान को अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं, प्रिजर्व करके रख रहे हैं कि जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती, जब तक वो टाइम नहीं आ जाता, तब तक वो आपके सामान को अपने पास रखेंगे, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू क्रिएट द टाइम यूटिलिटी, अब ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर कि टाइम यूटिलिटी क्रिएट करता है। टाइम यूटिलिटी से मतलब क्या है कि ये जो गैप है ना प्रोडक्शन और कंजप्शन के बीच का, ये उस टाइम गैप को खत्म करता है कि जैसे ही प्रोडक्शन हुआ, जरूरी नहीं है कि उस टाइम पे कंजप्शन हो, तो और जैसे ही कंजप्शन के लिए डिमांड आए वैसी प्रोडक्शन रेडी हो, तो हमें दोनों के बीच के गैप को खत्म करना है, जिसके लिए हम किसका यूज करते हैं? वेयरहाउसिंग, ठीक। हाँ, द लास्ट वन इज इन्वेंट्री कंट्रोल। अब इन सभी चीजों में एक चीज हम देख रहे हैं कि इन्वेंट्री है ना। ऑर्डर प्रोसेसिंग में भी कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल है, प्रोडक्ट्स है, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आप ट्रांसफर करोगे इन्वेंट्री, वेयरहाउस में स्टोर करोगे, तो आपको मेंटेन करना है इन्वेंट्री को। आपको डिसाइड करना है अबाउट द लेवल ऑफ इन्वेंट्री, ज्यादा इन्वेंट्री रखनी है या कम। अब ऐसा देखा जाता है, एक जनरल रूल है कि जितना ज्यादा आप इन्वेंट्री को लेवल को रखोगे, उतना ही कस्टमर सेटिस्फाई होगा, क्योंकि उसकी डिमांड ऑन द स्पॉट पूरी हो जाएगी। बट फिर भी देयर आर फोर फैक्टर्स जो आपके इन्वेंट्री लेवल को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला है द पॉलिसी ऑन लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। आप किस सोच के साथ इन्वेंट्री को होल्ड कर रहे हो? अगर आपका मोटिव कस्टमर का सेटिस्फैक्शन है, तो आप हमेशा हायर लेवल ऑफ इन्वेंट्री ही मेंटेन करोगे, ठीक है, क्योंकि देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द लेवल ऑफ इन्वेंट्री एंड द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन और सर्विस, ठीक है। तो अगर आपका व्यू पॉइंट है कि यार हमें कस्टमर को सर्विस देनी है अच्छी की, अच्छे लेवल की, तो आप इन्वेंट्री लेवल भी अच्छा मेंटेन करोगे। सेकेंड पॉइंट इज एक्यूरेसी इन सेल फोरकास्ट। भाई एक अनुमान भी होता है ना हमारा कि इस टाइम पे सेल ज्यादा आती है, इस टाइम पे डिमांड ज्यादा आती है, तो अगर आपके फोरकास्ट का जो अगर आपके सेल फोरकास्ट अच्छे हैं, मतलब एक्यूरेट आपको लगता है कि हाँ यार इतना ही डिमांड आएगी, तो आप कम इन्वेंट्री मेंटेन करो, मतलब अकॉर्डिंगली आप मेंटेन कर सकते हो। बट अगर आपको लगता है कि नहीं यार सेल फोरकास्ट सही नहीं जाते हमारे, तो भाई हायर लेवल पहले से मेंटेन करके रखो। थर्ड वन इज रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि जिन लोगों से आपके पास सामान आता है वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं कि अगर एडिशनल डिमांड अचानक से आ गई, तो क्या आपका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऐसा है कि वो कम टाइम में ही आपको आपके डिमांड को पूरा कर देगा? तो अगर आपको लगता है कि जैसे डिमांड आती है वो लोग आपको डिलीवर कर देते हैं सामान, तो लेस इन्वेंट्री रखो। बट अगर आपको लगता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन टाइम लेता है आपके ऑर्डर को प्रोसेस करने में, तो पहले ही हाई इन्वेंट्री मेंटेन रखो। द लास्ट वन इज कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री।
ये तो पता ही हमें कि जितना ज्यादा आप इन्वेंट्री को होल्ड करोगे, क्योंकि सिर्फ इन्वेंट्री को होल्ड करने के चार्जेस भी होते हैं, कैरिंग कॉस्ट होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं, हैंडलिंग चार्जेस होते हैं। तो अगर आप इन्वेंट्री को होल्ड करते हो तो कॉस्ट हाई आएगी। तो अगर आपको लगता है कि कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री हाई है तो ऑब्वियस सी बात है कि आप स्टॉक कम ही रखोगे, बट अगर कॉस्ट आपको कम दिख रही है तो आप ज्यादा स्टॉक भी रख सकते हो। ठीक है, तो ये फोर फैक्टर्स थे हमारे जो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम हमें ये एक्टिविटीज करनी पड़ती है परफॉर्म। और इसी के साथ हमारा प्लेस मिक्स यानी कि द थर्ड पी ऑफ मार्केटिंग मिक्स भी कंप्लीट होता है। तो मार्केटिंग मिक्स का हमारा जो लास्ट पी है आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। पहला मिक्स था प्रोडक्ट मिक्स, सेकेंड प्राइस मिक्स, थर्ड प्लेस मिक्स, और फोर्थ है आज हमारा प्रमोशन मिक्स। ठीक है, हमने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग, लेबलिंग, पैकेजिंग कर ली, प्राइस भी डिसाइड कर लिया है, कैसे मूवमेंट होगा, कौन सा चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो भी डिसाइड हो गया है। अब लोगों को बताना है हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में, हमें लोगों को इन्फॉर्म करना है कि हम एक एज अ मार्केटर एंटर हो चुके हैं मार्केट के अंदर कुछ प्रोडक्ट और सर्विसेज के साथ, और हम चाहते हैं कि वो जो लोग हैं वो हमारे सामान को खरीदे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्रमोशन मिक्स के अंदर आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कन्विंस कर रहे हो, परसुएड कर रहे हो कि वो आपका प्रोडक्ट और सर्विस कंज्यूम करें। ठीक है, तो यानी कि यहां पर आप करने जा रहे हो कुछ प्रमोशनल एफर्ट्स, और आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसी से आप कम्युनिकेट भी कर रहे हो अपने कंज्यूमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के साथ। तो यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं प्रमोशन मिक्स के अंदर कुछ प्रमोशनल टूल्स। So, promotion mix refers to the combination of promotional tools used by an organization to achieve its communication objective. यानी कि जब एक marketer को communicate करना है at the end अपने consumers के साथ, अपने potential consumers के साथ कि वो आके हमारा सामान खरीदे, तो उस time पे वो अपने कुछ promotional tools का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने communication objective को achieve कर पाए। अगर case study आती है इस question की तो ये key point, ये keyword है आपका, ये आपके कीवर्ड्स प्रमोशनल टूल्स। वो पूछ सकते हैं कि मार्केटिंग मिक्स का वो कौन सा एलिमेंट है जो प्रमोशनल टूल्स का इस्तेमाल करता है, या फिर यहां पर कम्युनिकेशन टूल्स भी लिखा जा सकता है। तो दोनों में से कोई एक वर्ड आप देख सकते हैं अगर ये केस स्टडी में आया तो। ठीक है, अब इस प्रमोशन मिक्स के चार एलिमेंट होते हैं, चार चीजें हैं जिसके थ्रू आप ये काम करते हो। नंबर वन इज एडवर्टाइजिंग, नंबर टू पर्सनल सेलिंग, नंबर थ्री है हमारे पास सेल्स प्रमोशन, एंड नंबर फोर है हमारे पास पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन प्लस पब्लिसिटी दोनों कंबाइन है। ठीक है, पहले मतलब यहाँ पे पब्लिसिटी हुआ करता था, पब्लिक रिलेशन एक अलग टॉपिक था, लेकिन अब इसे एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स के साथ ही एड ऑन कर दिया है और पब्लिसिटी इसी का पार्ट है। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवर्टाइजिंग से। एडवर्टाइजिंग कोई नई चीज नहीं है आपके लिए। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए आपने कौन कौन से फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट देखे हैं। ठीक है, आपने मुझे बताया कि पैम्पलेट्स हैं और टेलीविजन पे एडवर्टाइजमेंट आती है, आपने इंटरनेट पे देखा है एडवर्टाइजमेंट, आपने न्यूज़पेपर में भी देखी एडवर्टाइजमेंट। क्या इनमें से किसी के अंदर भी आप एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश कर पा रहे हो? नहीं। और जो एड आपके यहाँ पे आती होगी शायद वही एड इन सब लोगों के यहाँ पर भी आती होगी, और मेरे यहाँ पर भी वही एड आती होगी, और जितने भी लोग उसको देख रहे होंगे वर्ल्ड वाइड सबके यहाँ पे सेम एडवर्टाइजमेंट आती होगी। इसका मतलब एडवर्टाइजमेंट सबसे पहली चीज एक ऐसा फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है जो इम्पर्सनल है। इम्पर्सनल मतलब जिसमें हमारा किसी भी तरीके से कोई डायरेक्ट फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं है मार्केटर के साथ। तो इसकी डेफिनेशन यही निकलती है और आप पहचानेंगे भी इससे ही दैट इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। यहाँ पे बिल्कुल भी पर्सनल टच नहीं होता है विच इज पेड, और ये एक ऐसा कम्युनिकेशन है आपके लिए जहां जिसके लिए आप पे करोगे। एडवर्टाइजमेंट जितने भी लोग दे रहे हैं वो उसके लिए पैसा भर रहे हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर में है, चाहे वो टेलीविजन पे है, चाहे वो इंटरनेट पे या किसी भी अदर फॉर्म में है, तो उसके लिए पे किया जा रहा है बाय द मार्केटर टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज, क्योंकि वो या तो गुड्स में डील कर रहे हैं या फिर सर्विसेज में। ठीक है, सो एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज एन इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विच इज पेड बाय द मार्केटर टू प्रमोट सम गुड्स और सर्विसेज। ठीक, अब इसी के फीचर इसके डेफिनेशन से ही निकलते हैं, तीन फीचर्स हैं। सबसे पहला फीचर पेड फॉर्म है, ये एक ऐसी एडवर्टाइजमेंट है जिसके लिए आपको पैसा भरना पड़ेगा। ठीक है, एक स्पॉन्सर है, एक मार्केटर है जो इस एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट को बियर करता है।
सेकेंड वन इज इम्पर्सनालिटी, यहीं पे पढ़ा भी हमने कि यहाँ पे कोई आपका फेस टू फेस कॉन्टेक्ट नहीं होता है मार्केटर के साथ। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, हमें पता होता है कि जो टीवी पे या न्यूज़पेपर पे या जहां पे भी आप एडवर्टाइजमेंट देख रहे हो उसको, इट्स एडवर्टाइजमेंट को प्रोवाइड करने वाला कौन है स्पॉन्सर जो उसकी कॉस्ट को बियर कर रहा होगा, यानी कि उसके पीछे कौन सी कंपनी है या कौन सा मार्केटर है उसके बारे में हमें पता होगा, वो आइडेंटिफाइड पर्सन है एक। ठीक है, समझ आ गया कि एडवर्टाइजमेंट क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आते हैं अब पर्सनल सेलिंग। पर्सनल नाम में ही पर्सनल है, यानी कि यहां पर जब सामान बेचा जा रहा होगा तो यहां पर आपके साथ एक पर्सनल कॉन्टेक्ट बनाया जा रहा है, जहां पर एडवर्टाइजमेंट एक इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है, मतलब पर्सनल सेलिंग एक पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है। जैसे कि आपने देखा होगा डोर टू डोर लोग एजेंट्स आते हैं सामान बेचने के लिए, तो पर्सनल सेलिंग ही है। सेल्समैन होते हैं यहाँ पर, वो क्या करते हैं ओरल प्रेजेंटेशन देते हैं, और हर पर्सन टू पर्सन ना उनका जो मैसेज होता है वो डिफरेंट होता है। एडवर्टाइजमेंट में एक स्टैंडर्डाइज मैसेज होता है जो सबके पास सेम आता है, लेकिन पर्सनल सेलिंग में आप देखो कि आप एज अ कस्टमर एक दुकान पर जाओगे आपसे अलग तरीके से बात करेगा, आपसे अलग करेगा, आपसे अलग करेगा, मतलब हर किसी से वो अलग अलग तरीके से, हाँ, सामने वाले के एक्सप्रेशन, सामने वाले की नीड्स को देखकर वो अपने मैसेज को क्या करता है कस्टमाइज करता है। उसे अगर लग रहा है कि ये खरीदने वाला है तो वो आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा, थोड़ा सा और आपको कहेगा कि सर जी आपके लिए ही बनी है ये चीज, आप ही इसको लेकर जाओ, आपके लिए था ये यहाँ पे अब तक। हाँ, वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने मैसेज को चेंज करता है। सो पर्सनल सेलिंग इज ओरल प्रेजेंटेशन ऑफ मैसेज इन द फॉर्म ऑफ सम कॉन्वर्सेशन, आपके साथ बातचीत हो रही है विद वन और मोर प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, एक या एक से ज्यादा कस्टमर के साथ फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सेल, क्योंकि उन्हें क्या करना है अपना सामान बेचना है। ठीक है, इसके फीचर भी इसी के डेफिनेशन से निकलते हैं। सबसे पहला पर्सनल फॉर्म है, यहां पर आप फेस टू फेस इंट्रैक्शन कर रहे हो, एक सेलर और बायर के बीच में फेस टू फेस इंट्रैक्शन हो रहा है। ठीक है, सेकेंड वन इज डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप। जब एक सेल्स पर्सन की हमें जो जिस तरीके से भी भाई वो हमें सामान बेचते हैं, अगर वो चीज हमें पसंद आती है और जो सामान उन्होंने हमें बेचा होता है अगर वो भी हमें पसंद आता है तो हमारा एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है उनके साथ, और नेक्स्ट टाइम भी हम कोशिश करते हैं कि हम उसी से सामान खरीदे। तो यहाँ पे एक रिलेशनशिप बिल्डअप हो जाता है जहां पर सेल्स पर्सन एक पर्सनल रिलेशनशिप बनाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा सेल्स की जा सके, और एक जरूरी भी होता है सेल्स को करने के लिए। ठीक है, ये दोनों क्लियर। थर्ड है हमारे पास सेल्स प्रमोशन। अब सेल्स प्रमोशन नाम क्या है, सेल्स का प्रमोशन करना है। अब प्रमोशन करने के लिए लोगों को लुभावने ऑफर देने हैं। अब यहां पे हमें लोगों को अट्रैक्ट करना है कि आके हमारा सामान खरीदो। हम एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, सपोज पर्सनल सेलिंग भी कर रहे हैं, बट और क्या तरीका होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा सेल्स को बढ़ाया जा सकता हो। यहां पर हम देते हैं आपको शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, जैसे कि आप अभी अपने लोकल मार्केट में गुजरना और अगर आपको वहां पे कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप दिखे तो वहां पे लिखा होता है 0% फाइनेंस, इजी ईएमआई, उसके अलावा स्क्रैच द कूपन एंड गेट दिस लकी, हाँ हाँ, बाय टू एंड गेट वन फ्री, बाय 10 केजीज ऑफ आटा एंड गेट 1 केजी ऑफ राइस फ्री, हाँ 20% एक्स्ट्रा। ठीक है, आपको कई बार वाउचर्स मिल जाते हैं कि अगर आपने 10,000 की परचेज करी तो 1,000 का वाउचर मिल गया। ये सारी चीजें कहलाती हैं सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स, जिसके अंदर आपको कुछ शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, आप कह सकते हो आपको लालच दिया जा रहा है, और उस लालच के बदले में आप क्या कर रहे हो उनके लिए उनकी सेल्स वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हो। सो सेल्स प्रमोशन क्या है, इट रेफर्स टू द शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स ऑफर टू एनकरेज द बायर्स टू मेक द इमीडिएट परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस, जहां पर वो कह रहे हैं आपसे कि भाई हम आपको ये एक ऑफर दे रहे हैं अगर आप खरीदोगे, भाई अगर आपने 5,000 की हमसे शॉपिंग कर ली तो 1,000 रुपए आपको हम वाउचर दे देंगे। तो वही है ना, आप 6,000 का सामान खरीद पाओगे 5,000 में, तो ऐसे लालच में क्या होगा सेल्स बढ़ेगी। तो यही यहाँ पे सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स करती है। अब किस तरीके से सेल्स प्रमोशन चलता है, तीन लोगों के साथ चलता है ये। एक तो हमारे कस्टमर्स, कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं, फ्री सैंपल दे सकते हैं, उनके साथ कोई कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ट्रेडर्स और मिडल मैन के लिए भी उनके डीलर डिस्काउंट होते हैं, उनके भी डीलर कॉन्टेस्ट होते हैं, उनका भी होता है कि अगर आपने इतनी की सेल कर दी तो 10% का आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, बोनस मिल जाएगा, ये सब चलता है। ऐसे सेल्समैन के साथ भी चलता है, उनको भी बोनस मिलते हैं, स्पेशल ऑफर्स मिलते हैं कि अगर आपने इतना माल बेच दिया तो इतनी क्वांटिटी गिफ्ट, एक गिफ्ट हैम्पर्स मिल जाते हैं जैसे। तो वो सारी चीजें यहाँ पर सेल्स प्रमोशन में चलती है ताकि सेल्स को ज्यादा से ज्यादा बूस्टअप किया जा सके। क्लियर यहाँ तक? अच्छा, तीनों को पहचानने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स बताए। एडवर्टाइजिंग में है पर्सनल फॉर्म, सॉरी इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। पर्सनल सेलिंग में मैंने आपको बताया ओरल प्रेजेंटेशन और पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है।
वहीं पे सेल्स प्रमोशन है, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स, ठीक है। लास्ट पे आते हैं पब्लिक रिलेशन। पब्लिक रिलेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रमोशन मिक्स का एलिमेंट है। आपने नाम सुना होगा पीआर डिपार्टमेंट। हर कंपनी अपना एक पीआर डिपार्टमेंट मेंटेन कर सकती है, जहां पर उस पीआर डिपार्टमेंट का काम होता है कंपनी और कंपनी के प्रोडक्ट की एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करना मार्केट के अंदर। आप देखते होंगे कि लगातार बहुत सारी कंपनीज के बारे में ये जो पॉजिटिव आर्टिकल्स छपते हैं, भाई देखो कॉम्पिटिटर्स तो सबके हैं, सब एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, बट वो पीआर डिपार्टमेंट होता है जो अपनी कंपनी के लिए पॉजिटिव स्टेटमेंट्स देता है पब्लिक के सामने। और मैं तो हमेशा इसका एक एग्जांपल देती हूँ, क्योंकि वो ना हर बच्चे बच्चे को पता होता है, क्योंकि सबके लिए सब जानते हैं इसको। और कोई मैं ऐसा एग्जाम्पल दूंगी तो शायद ढूंढना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा, बट वो जो मैगी का एग्जाम्पल है ना, वो हम सब जानते हैं कि मैगी बैन हुई, मैगी बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ वापस आई। हालांकि जब भी कोई चीज बैन होती है तो उसको वापस आना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैगी के पीआर डिपार्टमेंट ने ये बहुत अच्छे से प्रूव किया कि अगर हम अपना काम सही से करते हैं तो हम वापस आ सकते हैं। और आज भी मैगी के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता है, बैन हो जाने के बाद भी उन्होंने आकर अपनी प्राइस तक इंक्रीज करी और कस्टमर्स ने उनको बिल्कुल भी मना ही नहीं करी। कस्टमर आज भी दिल खोल के मैगी नूडल्स को यूज करते हैं, ठीक है। सो पब्लिक रिलेशन क्या है? पब्लिक रिलेशन रेफर्स टू द वेराइटीज ऑफ प्रोग्राम्स, बहुत कुछ होता है इसके अंदर, टू प्रमोट और प्रोटेक्ट अ कंपनीज इमेज, ताकि कंपनी की इमेज को या तो प्रमोट कर रहे हैं या प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इट्स प्रोडक्ट इन द आईज ऑफ द पब्लिक, यानी कि लोगों की नजरों में, पब्लिक की नजरों में या तो कंपनी की इमेज या उसके प्रोडक्ट की इमेज को प्रमोट एज वेल एज प्रोटेक्ट दोनों किया जाता है। आप देखते होंगे कि जैसे जो शोज वगैरह भी आते हैं, जैसे बिग बॉस आ रहा है आजकल, लिखा आता है ना स्पॉन्सर्ड बाय, प्रेजेंटेड बाय, अगर है ना, तो ज्यादातर क्या होता है जो कोई नई नई कंपनी आती है ना, तो वो ज्यादा इस तरीके के इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं या फिर ज्यादा से ज्यादा उनको क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। तो कभी कभी कोई स्पोर्ट्स या कल्चरल इवेंट हो रहा है, जैसे ये आईपीएल वगैरह चलते हैं, तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि ऐसी जो कंपनीज होती हैं वो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगाती हैं इन कल्चरल इवेंट्स पे। कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो जो विक्टिम्स होते हैं उसके, यानी कि जैसे फ्लड विक्टिम्स है, अर्थक्वेक से परेशान हुए लोग, तो उनकी हेल्प करने के लोग पैसा लगा रहे हैं। उसके अलावा वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए ये लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को करके ये लोग क्या करते हैं, अपनी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हैं। मेन काम क्या है इनका, टू डिसेमिनेट। डिसेमिनेट का मतलब क्या होता है, फैलाना। डिसेमिनेट द इंफॉर्मेशन एंड बिल्ड द गुडविल अबाउट द बिजनेस, कि चारों तरफ इन्हें स्प्रेड करना है कंपनी का नाम, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन और कंपनी की अच्छी गुडविल बिल्डअप करना, ठीक है। अभी पीआर डिपार्टमेंट कैसे सेटअप हो सकता है, तीन तरीके से हो सकता है काम। या तो आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट ही ये काम कर दे, ठीक है, या आप सेपरेट डिपार्टमेंट बनाकर चलते हो पीआर डिपार्टमेंट की, भाई तुम्हारा काम यही है, या फिर आप किसी बाहर की एजेंसी को ये काम दे देते हो कि हमारे लिए ये काम आपको करना है, ठीक है। क्लियर हुआ पब्लिक रिलेशन भी क्या होता है? तो ये चार हमारे कम्युनिकेशन टूल एज वेल एज द एलिमेंट्स ऑफ प्रमोशन मिक्स है, जिससे एक मार्केटर अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, प्रमोट कर सकता है और अपने कस्टमर्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है कि वो उसका सामान खरीदे, ठीक है। तो हमारे फोर पीस जो थे मार्केटिंग के, वो आज कंप्लीट होते हैं। अब बस हमें एक एडवर्टाइजिंग और पर्सनल सेलिंग के बीच का डिफरेंस पढ़ना है। लास्ट टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग, अगर पूछ लिया जाए आपसे। तो वैसे तो हमने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, तो हम अपने आप में डिफरेंस अब लिख सकते हैं। जैसे कि पहला ये टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट में हमारी कैसी कम्युनिकेशन चल रही थी, इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। वहीं पे पर्सनल सेलिंग में कैसी है भाई, पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ मैसेज एडवर्टाइजमेंट में कैसा जाता है, स्टैंडर्डाइज, सिमिलर मैसेज जाता है, यूनिफॉर्म मैसेज जाता है सबके पास, लेकिन पर्सनल सेलिंग में वो मैसेज कस्टमाइज होता है अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर। फ्लेक्सिबिलिटी, यहां आप चीजों को बदल नहीं सकते, जैसा आपने बना दिया है एडवर्टाइजमेंट वैसा ही वो जाएगा, बट वहां पे फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजों को चेंज मॉडिफाई कर सकते हो। रीच, बट एडवर्टाइजमेंट का एक फायदा है कि आप एक ही टाइम पे बहुत सारे अपने पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंच पा रहे हो, मास रीच है। बट पर्सनल सेलिंग में क्या है, लिमिटेड रीच है, आप या तो एक पर्टिकुलर रीजन या पर्टिकुलर एरिया ही कवर अप कर पाओगे, ठीक है। उसके बाद कॉस्ट, सस्ता कौन सा पड़ता होगा भाई, जितने ज्यादा लोगों को आप कवर अप कर पा रहे हो उतनी ही आपकी सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो पा रही होगी, दैट मींस यहां पर यूनिट कॉस्ट क्या आ जाती होगी, कम आ जाती होगी। तो ये आपके लिए इकोनॉमिकल यानी कि सस्ता पड़ता है, वहीं पे पर्सनल सेलिंग कॉस्टली है क्योंकि वहां पर ना पूरा आपको एक सेल्स स्टाफ रखना पड़ेगा इस वजह से। टाइम,
वही बात कि यहाँ पे मास रीच है, एक ही बार आपने एडवर्टाइजमेंट करी और आप बहुत सारे लोगों तक पहुंच गए हो, तो यानी कि यहाँ पर आप एक ही मार्केट को बहुत कम समय में कैप्चर कर सकते हो। बट पर्सनल सेलिंग में इसी काम को करने में आपको क्या लगेगा, टाइम लगेगा, क्योंकि आप एक पर्सनल कॉन्टेक्ट मेंटेन करते हुए जा रहे हो। ठीक है, फीडबैक देखो, एडवर्टाइजमेंट में सपोज आपके टीवी पे एक एडवर्टाइजमेंट आ रही है, अब उन्हें पता चल रहा है कि आप उसको देख रहे हो, आपको इंटरेस्ट नहीं है, कई बार हम म्यूट ही कर देते हैं, चल रही है एडवर्टाइजमेंट लेकिन हमने म्यूट कर दिया है, तो फीडबैक कैसे पता चल रहा है, कोई फीडबैक नहीं होता एडवर्टाइजमेंट के अंदर। बट वहीं पे अगर पर्सनल सेलिंग है, एक डायरेक्ट कॉन्टेक्ट है हमारा, हमने सामान खरीदा नहीं खरीदा, हम उनका प्रोडक्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है या नहीं है, वो डायरेक्टली पता चल रहा है, तो यहाँ पे डायरेक्ट और इमीडिएट फीडबैक है जो कि हमें एडवर्टाइजमेंट में देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो बस इसी के साथ हमारा ये जो बढ़िया सा चैप्टर था मार्केटिंग, वो हुआ कंप्लीट। ठीक है।